So student, today we are going to start with the because we were doing trigonometry और आज हम list of the formulas करेंगे. सबसे पहले मैं step by step बता रहा हूँ आपको. सबसे पहले हम कर रहे हैं addition and subtraction formulas. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला में कौन कौन से फार्मूले आ रहे हैं. नंबर वन, साइन ए प्लस बी. तो दैट फार्मूला इज इक्वल टू साइन ए, और इसका बेनिफिट भी बताएंगे आगे. कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. सेकंड, साइन ए माइनस बी. सेम पैटर्न रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. थर्ड फार्मूला इसमें है कॉस ए प्लस बी का, दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी. प्लस है तो यहाँ माइनस, साइन ए साइन बी. फोर्थ फार्मूला कॉस ए प्लस ए माइनस बी, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. ये बड़े ध्यान से देखना है, कॉस वाले में प्लस में माइनस है और माइनस में प्लस है, बट साइन वाले में प्लस ही है और माइनस में माइनस है. ये साइन कॉस कॉस साइन, ये कॉस कॉस साइन साइन. ठीक है जी, ये चार फार्मूले आपके पास साइन के साथ और कॉस के साथ आ गए. नेक्स्ट हमारे पास है फार्मूला नंबर पाँच, टेन ए प्लस बी. दिस इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी. करेक्ट, ये फार्मूला हो गया जी हमारे पास टेन ए प्लस बी का. अब हम लगाएंगे जी टेन ए माइनस बी. अब ऊपर प्लस तो नीचे माइनस था प्लस में, अब ऊपर माइनस नीचे प्लस रहेगा. टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी. करेक्ट, ये टेन ए माइनस बी का फार्मूला हमारे पास तैयार हो गया. अब हमने फार्मूला करना है जी कॉट कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी का. वैसे नॉर्मली हम कॉट का फार्मूला नहीं लिखते, क्योंकि टेन अगर हो कॉट हो तो हम उसको टेन में कन्वर्ट करके भी फार्मूला यूज कर सकते हैं. ठीक है, पर फिर भी हम एक बार फार्मूला जरूर आपको लिख देंगे. सो सेवंथ फार्मूला कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा जी कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए. ये फार्मूला है कॉट ए प्लस बी का. नाउ एट्थ फार्मूला कॉट ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी. करेक्ट, यहां माइनस की जगह प्लस आ जाएगा एंड ये प्लस की जगह माइनस आएगा. अब इसमें याद रखना बी पहले है और ए बाद में, ये स्पेशली याद रखने वाली बात है. तो ये आठ फार्मूले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले हैं, दो साइन के दो कॉस के दो टेन के दो कॉट के, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी. ये आपको सबसे पहले याद करने हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले. अब इन फार्मूलों का मैं आपको कुछ यूज बताऊंगा कि इनका बेनिफिट क्या है.
उससे आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि वाकई हमें इन फार्मूलों की ज़रूरत है। जैसे हमने क्या किया था, सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल थे और स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू हमने पता है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये एंगल हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है। फिर हमने अलाइड एंगल किया, अलाइड एंगल की हेल्प से हमने कुछ और एंगल निकालने सीखे। तो जैसे मेरे पास मान लीजिए अब साइन 75 डिग्री है, अब इसकी वैल्यू आप स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं है 75 की वैल्यू तो डायरेक्ट तो है नहीं हमारे पास, अब इसको अलाइड एंगल निकालेंगे तो 90 के करीब है, ये 90 माइनस 15 कर सकते हैं तो 15 डिग्री की फिर वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इसका हल जो है वो अलाइड एंगल से भी निकलने वाला नहीं है। पर मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ जी साइन 75 को साइन 45 प्लस 30, देखो ये लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इन दोनों का सम 75 है और साइन 45 की वैल्यू भी होती है हमारे पास, 30 की भी होती है। तो ये फार्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का, ऊपर हमने अभी फार्मूला किया है साइन ए प्लस बी का, अब याद धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है जी, ये फार्मूला आपको करना पड़ेगा। तो मैंने साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो अब हमारे पास इन चार सभी की वैल्यू है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया √3 × 2√2, ठीक है, प्लस ये आ गया 1/√2। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एलसीएम लिया 2√2, तो √3 + 1 ये हमारे पास बेटा जी आंसर हो गया, करेक्ट। मेरे पास साइन 115 डिग्री की 5 डिग्री की वैल्यू हमारे पास निकालनी है। तो हम इसको ना तो ये लाइड एंगल है ना ये स्टैंडर्ड एंगल है, लाइड एंगल की हेल्प से भी हम नहीं कर पाएंगे इसको। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको अब हम क्या कर रहे हैं जी साइन 60 + 45, क्योंकि 60 + 45 105 है, करेक्ट जी। तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, फार्मूला हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, कॉस ए साइन बी, ठीक है जी। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की 1/√2। अब हमारे पास ये बन गया, एलसीएम लिया 2√2 और ये भी सेम ही हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट। तो ऐसे ही हम, जैसे मान लो आप कॉस 105 निकालना चाहो, तो कॉस 60 + 45 ऐसे कर देंगे क्योंकि इन दोनों का सम 105 है। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस 60 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2,
तो कॉस साइन 60 की वैल्यू है रूट 3/2, साइन 45 की 1/√2। ये मैंने एलसीएम लिया, 2√2 आ गया, सो 1 - √3। ये मेरे पास आंसर आ गया 10 कॉस 105। तो देखो टेन 15 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। 15 डिग्री की ना तो ये स्टैंडर्ड है, ना लाइट की हेल्प से कुछ कर सकते हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं स्टूडेंट 45 - 30। तो ये टेन ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, टेन ए माइनस बी विल बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + tan A tan B। तो बेटा जी ये बन गया मेरे पास टेन 45 माइनस टेन 30 अपॉन 1 - 1 + टेन 45 एंड टेन 30 बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और टेन 45 की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड टेन 30 की वैल्यू 1/√3, स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू आप याद होनी चाहिए, प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 और टेन 30 की 1/√3। ये मेरे पास आ गया 1 - 1/√3 और 1 + 1/√3। एक काम हम और कर सकते हैं, न्यूमिनेटर का भी एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आएगा √3 - 1। डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा जी √3 + 1। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया जी √3 - 1 और √3 + 1। ये आपके पास टेन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन क्या है कि इफ टेन ए इज इक्वल टू √3 है एंड टेन बी इज इक्वल टू 2 - √3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए माइनस बी। करेक्ट। तो आपको वैसा जैसे पता है कि टेन ए की वैल्यू दी हुई है आपको ना, और टेन बी की, इसका फार्मूला आपको पता है, टेन ए माइनस बी का फार्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + tan A एंड टेन बी। तो टेन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए √3 माइनस टेन बी की वैल्यू 2 - √3। करेक्ट। 1 + ये टेन ए की वैल्यू √3 और टेन बी की वैल्यू 2 - √3। तो बेटा जी अब क्या करोगे आप, ये मेरे पास √3 - 2, ये माइनस माइनस प्लस √3, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 + ये देखो 2√3 और √3 × √3 ये बन गया -3। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये बन गया √3, ये बन गया 2√3 और ये -2। करेक्ट। ये मेरे पास बन गया जी 2√3, ये 1 - 3, ये बेटा जी बन गया मेरे पास -2। तो एक बार मुझे देखने दीजिए, ये 3√3, 2√3 और ये -3, ऊपर ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये -2 - -+ √3। ओके, तो सॉरी ए माइनस बी, तो बेटा जी ये हमारे पास कैंसिल होके आ गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेन ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 1। दिस इज द आंसर। ओके,
क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रूव दैट टेन 28 डिग्री इज इक्वल टू कॉज 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री और इक्वल टू कॉज 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री। अभी आपको पहले स्टेप में देखने में बड़े अजीब सा लग रहा होगा, पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं इसको प्रूव दैट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ सॉल्यूशन। आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है जी 10 28 डिग्री। देखो जी 10 28 डिग्री जो है वो मेरे पास 45 डिग्री माइनस 17 ये 28 डिग्री होता है, करेक्ट। तो हमारे को पता है कि टेन ए माइनस बी का फार्मूला, वो फार्मूला है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए एंड टेन बी। सो यहाँ पे हम टेन ए माइनस बी, सो टेन ए टेन 45 प्लस माइनस टेन 17 अपॉन 1 प्लस टेन 45 एंड टेन 17 डिग्री। स्टूडेंट आपको पता है टेन 45 की वैल्यू हमारे पास रहती है 1, टेन 17 डिग्री 1 प्लस ये भी 1 आ गया, तो यहाँ पर रह गया जी टेन 17 डिग्री। राइट हैंड साइड में साइन और कॉज है, तो हम टेन को साइन कॉज में ब्रेक कर देते हैं। 1 माइनस टेन 17 को लिख रहा हूँ साइन 17 डिग्री अपॉन कॉज 17 डिग्री, 1 प्लस साइन 17 डिग्री अपॉन कॉज 17 डिग्री। तो हमारे पास कॉज 17 डिग्री, कॉस 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 17 डिग्री, कॉस 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री, ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, कॉस 17 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री अपॉन कॉस 17 डिग्री प्लस साइन 17 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखिए, यही हमारा राइट हैंड साइड है। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ कॉज ए इज इक्वल टू 1/7 एंड कॉस बी इज इक्वल टू 13/14 प्रूव दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए एंड बी बींग अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से लेस होते हैं। अक्यूट एंगल वो होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री है। ये उन्होंने बता दिया कि ए और बी की वैल्यू दोनों की 90 डिग्री से लेस है, तो आपने बताना है, ये प्रूव करना है कि ए माइनस बी 60 डिग्री है। अब इसके लिए जरा ध्यान देना, आप अब ए माइनस बी का कोई भी फार्मूला लगा लो, कॉज वाला तो कॉज लगा लो चाहे साइन का लगा दो। देखो अगर हम ले लेते हैं जी ए माइनस बी है ना, इसका कॉज ले लेते हैं, तो आपको ये पता है कि कॉज ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉज ए कॉज बी माइनस वाले में प्लस होता है,
साइन ए एंड साइन बी, ये हमारे पास वैल्यू लिख दी। अब बेटा जी जो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी जो है, तो कॉस ए की वैल्यू भी है कॉस बी की वैल्यू भी है, ये देखिए, पर हमारे पास साइन ए और साइन बी की वैल्यू नहीं है। तो अगर कोई एक टी रेशो दी होती है किसी एक एंगल में, दूसरी टी रेशो निकालनी कैसे है? अब मुझे साइन ए और साइन बी की वैल्यू चाहिए। मैं आपको बड़ा एक सिंपल फंडामेंटल बताता हूँ, अब आपके दिमाग में इतना क्लियर हो गया कि हमें चाहिए क्या। तो मैंने क्या किया, हमारे पास, इसको मैं दोबारा से यूज़ करूँगा, इसको क्वेश्चन नंबर वन बोल देते हैं। मेरे पास जैसे कॉज ए है वन बाय रूट सेवन, वन बाय सेवन, बड़े ध्यान से देखना। तो बेटा जी मुझे साइन ए चाहिए, एंगल वही है। मैं ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। उसका नाम जो मर्जी रख लीजिए, उसका नाम जैसे मान लो आप पी एम और ओ रख दिया, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री। बेटा जी आपको पता है जो कॉस की रेशियो होती है ना, वो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, करेक्ट? ये आपको पता है, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, अगर मैं ए एंगल यहाँ ले लेता हूँ तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये साइड बेस होती है। इसका मतलब बी की वैल्यू 1 लूँगा और एच की वैल्यू 7 लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये, अब इसको हटा दो, तो हाइपोटेन्यूज मैंने 7 ले लिया और बेस मेरे पास है 1। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, तो बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन हुआ, बड़ा रनाउंड मैथमेटिशियन, 10th के अंदर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस लॉ या थ्योरम एक ही बात है, वो है क्या कि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो इज इक्वल टू होता है अदर टू साइड के स्केयर का सम राइट एंगल ट्रायंगल में। तो बेटा जी हमारे पास बाय पाइथागोरस लॉ या पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास ओपी स्केयर, जो ओपी है ये मेरे पास है हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी इज इक्वल टू ओ एम का स्केयर प्लस पी एम का स्केयर, करेक्ट? तो ये जो ओपी है ये तो बेटा 7 है और जो ओ एम है ये 1 है, पी एम की वैल्यू नहीं है। तो 7 का स्केयर 49 और 1 का स्केयर 1 जरा के -1 हो गया, तो पी एम स्केयर हो गया, तो मेरे पास पी एम का स्केयर आ गया 48। तो इसका मतलब हो गया जो पी एम है ये आ गया जी रूट 48। आपको पता जो स्केयर है इधर जाकर स्केयर रूट बन जाता है। 48 को बच्चे हम लिख रहे हैं 16 × 3, तो 16 का रूट होता है 4, 4√3 आ गया, पी एम की वैल्यू आ गई 4√3। अब मुझे अगर साइन ए निकालना हो, अब कोई भी टी रेशियो निकाल सकते हो, तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 4√3 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 7, तो इसका मतलब साइन ए की वैल्यू आ गई। अगर मुझे टैन निकालना है, कॉट निकालना है, अब कोई भी निकाल सकते हैं, एक बार तीनों साइडें पूरी कर लो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे साइन ए चाहिए था तो वो मैंने निकाल लिया, अब मुझे चाहिए साइन बी, तो मैं देखना चाहता हूँ बी के अंदर मेरे पास कौन सा, ये गिवन है मेरे पास, तो मेरे पास है कॉज बी इज इक्वल टू 13/14। मैं ऐसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल लूँगा, नाम जो आप मर्जी रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए ओ एम पी रख दीजिए। आपको पता है जो कॉज होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास, यहाँ पे बी ले लेता हूँ मैं, बी एंगल, तो बेस हमारे पास ओ एम है क्योंकि ये परपेंडिकुलर पी एम है एंगल के सामने, तो बेस हमारे पास है 13 और हाइपोटेन्यूज है 14। मुझे चाहिए पी एम की वैल्यू, तो मैं बेटा जी पाइथागोरस यूज़ करूँगा, बाय पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम या ला, जो हाइपोटन्यूज है ओपी, ओपी का स्केयर इज इक्वल टू ओएम स्केयर प्लस एमपी स्केयर। तो हमारे पास ओपी हमारे पास 14 है, इसका स्केयर आ जाएगा, और ये ओएम जो है वो 13 है, इसका स्केयर आ जाएगा, और एमपी का स्केयर। तो ये हमारे पास एमपी का स्केयर, 14 का स्केयर जो होता है 196 होता है, 13 का स्केयर होता है 169, ये इधर जाके माइनस 169 हो गया। 196 से 169 माइनस कर दिए, ये आ गया 27। तो मेरे पास एमपी की वैल्यू आ गई रूट 27। 27 होता है 9 × 3, 9 का रूट आ गया 3, तो 3√3 आ गया। तो ये हमारे पास साइड बन गई 3√3। अब मुझे चाहिए साइन बी, तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 3√3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 14। ये वैल्यू निकाल दी हमने सारी। अब मैं ये इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से यूज करूंगा, अब चारों की वैल्यू मेरे पास है। तो कॉज ए माइनस बी, ध्यान देना, कॉज ए माइनस बी की वैल्यू है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए एंड साइन बी प्लस है, सॉरी, कॉज ए की वैल्यू हमारे पास 1/7 है, ये गिवन थी। कॉज बी की वैल्यू हमारे पास 13/14 है, ये भी गिवन थी। साइन ए की वैल्यू जो है वो हमने निकाली है, वो निकाली है 4√3/7, और कॉज साइन बी की वैल्यू अभी निकाली हमने, वो निकाली है 3√3/14। तो बेटा जी एलसीएम तो सेम आ गया, ये 14 × 7 होता है 98, इधर भी 98 आ गया, नीचे नीचे भी इधर भी 98 आ गया। ये 1 − 13, ये 4 × 3 12 और √3 × √3 ये आ गया 3, तो ये आ गया जी 36। अब आप सम करो 36 को और 13 को, ये आ गया जी 49, 98, ये कैंसिल हो गया, आ गया जी 1/2। तो मेरे पास कॉज ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 1/2। बेटा जी 1/2 जो वैल्यू होती है वो कॉज 60 डिग्री की होती है, क्योंकि कॉज है तो इधर भी कॉज ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज कॉज ए माइनस बी की वैल्यू आ गई कॉज 60 डिग्री। तो कॉज कॉज हटा दिया तो ए माइनस बी आ गया 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमें कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री प्रूव करनी है। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हमने a माइनस बी को कैसे 60 डिग्री प्रूव किया है, सो दिस इज द आंसर।